तो तुम दोनों गए कहाँ थे? चेक करने गए थे, पुलिस आ रही है कि नहीं? वाह, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे थे, सारे मित्रों ने प्लान किया कि चलो बिरयानी पार्टी करते हैं एंड ऑल। और आपको तो पता ही है कि आपका भाई पार्टी के लिए कभी मना नहीं करता। तो निकल पड़े हम छह बंदे बिरयानी खाने। ओह, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द पीपल विथ मी। FZ पे हैं परमिंदर पाजी और उनके साथ पीछे बैठे हैं अंबर। वोगो पे है प्रकाश और वीर भैया, और हम यहाँ हैं लालवती और प्रखर के साथ। तो एजेंडा ये है कि हम जाएंगे सदाब रेस्टोरेंट, जो कि है चार मीनार के पास। चार मीनार यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो हुसैन सागर का एक चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। सुना है हुसैन सागर का नाइट व्यू बहुत अच्छा रहता है। और आज जबकि फ्राइडे नाइट है, वीकेंड है, तो ट्रैफिक मिलना तो एक पक्की बात है। और यहाँ देखिए अंबर को बिल्कुल जान पकड़ के बैठा हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया यार कहीं लॉन्ग राइड पे नहीं गए। सोलो राइड तो कर सकते हैं, पर जो मज़ा ग्रुप राइडिंग में है वो सोलो राइड में कहाँ। 5-6 दोस्त, 5-6 बाइक्स और एक अच्छा सा हिल स्टेशन जो कि डेस्टिनेशन होगा। आ हा हा, जो मज़ा वहाँ है वो और कहाँ। यू नो यू नीड टू हैव फ्रेंड्स इक्वली मैड एज यू फॉर सच काइंड ऑफ ट्रिप्स। अभी आई हैव फ्रेंड्स लाइक दैट। प्रकाश है, प्रखर है, जो कि ट्रिप्स में इंटरेस्टेड है। सो सून वी आर प्लानिंग ए सुपर ऑसम ट्रिप टुगेदर। ट्रैफिक है ज़्यादा नहीं, बट या ठीक ठाक है फ्राइडे नाइट के लिए, ठीक है। लाइक हम पीछे भी ट्रैफिक था, काफ़ी मेहनत से उसको कम किए, और अभी थोड़ा बहुत ठीक है। प्रकाश दिख नहीं रहा है, शायद काफ़ी आगे निकल गया है। लेट्स फाइंड हिम आउट। बस ट्रैफिक का नाम लो, ट्रैफिक हाजिर। अचानक से मुझे बाइक पे थोड़ा अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग क्यों आ रही है? लाइक समथिंग इज गोइंग टू डेड सम भाई भाई। वाओ, डिड यू सी दैट? मेरे बगल में एक जिप्सी खड़ी है जो पूरा कस्टम है। वेट, लुक एट दैट। भाई भाई साहब, बहुत सही बनाया है, काफ़ी खर्चा किया है बंदे ने इस गाड़ी पे। हाँ, गाड़ियों का शौक, शौक बड़ी चीज़ होती है। यहाँ देखो क्या खतरनाक लग रहा है बॉस। बहुत सही, जिप्सी को भी बहुत सही मॉडिफिकेशन कर रहा है। इट्स ग्रीन बट वॉट, वेट क्या हुआ क्या? अरे रुक भाई, स्टार्ट नहीं हो रही है मेरी गाड़ी। क्या हुआ यार तेरे को? अभी तो ठीक चल रही थी लालवती, कम ऑन यार, धोखा मत दे यार। ऐसे रास्ते पे बीच सड़क बेइज्जती करवाएगी तू मेरी। गॉड यार, बिना कुछ अभी तक ठीक चल रही थी यार, बैटरी अचानक कैसे डाउन हो? स्टार्ट हो जाए यार, वापस नहीं जाने देगी क्या? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हो गया। ओके चल। अरे यार, अचानक कैसे बैटरी डाउन हो गया? लाइक हाउ? बैटरी तो ठीक थी, अचानक डाउन हो गया। अब लगता है बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा इंस्टेंटली। लाइक इस गाड़ी में तो किक है नहीं, ऑल आई हैव इट्स सेल्फ। तो अभी अगर बैटरी डाउन है एंड सेल्फ स्टार्ट नहीं हुआ रेस्टोरेंट पे, तो वापस आना महंगा पड़ जाएगा। सो देखते हैं कोई बैटरी शॉप एंड पहले इसका कुछ काम करवाते हैं, मे बी बैटरी रिप्लेस होगा। शाबाश, यही कमी थी बस। बहुत सही, बहुत सही, कितने अच्छे से कट कर रहे हो आप, टर्निंग ले रहे हो। ये बस कट टर्न करने की जगह है? तो आप एक बस के चक्कर में पूरा ट्रैफिक अटक गया, एक नंबर। मतलब क्या ही बोलूं आपको। और भाई साहब, आप कहां से आ रहे हो? चलो हम तो रास्ता निकाल लेंगे भाई, निकल बेटा इधर से। वैसे ही हम पीछे रह गए, पंपा जी और प्रकाश दिख नहीं रहा।
बिरयानी खाने का चक्कर में लग गया 2000 का फटका। और भाई आपका नाम क्या है? परवेज भाई, किस्मत से मिल गए और यहाँ हम बैटरी चेंज कर रहे हैं। प्रखर और यहाँ प्रखर भी है मेरे साथ। प्रखर और मैं आए, गाड़ी अचानक से स्टार्ट होना बंद हो गया एंड सेल्फ काम नहीं किया। हाउएवर द हेडलाइट और ये इंडिकेटर काम कर रहा था, बट ये सेल्फ ही काम नहीं किया, तो सोचे बैटरी ही बदल देता नहीं है। इसमें रिकॉर्ड होके बिना कंप्यूटर पे डालूंगा, ठीक है, इसको एडिट करके फिर मैं यूट्यूब पे छोड़ूंगा। इस पे रिकॉर्ड हुआ है, इसमें रिकॉर्ड हुआ है, इसमें भी आपका चेहरा आया हुआ है। देखो उधर उस तरह भी लिखा हुआ है। तो ये कलीम भैया, और इनके वजह से आज गाड़ी की बैटरी बच गई, थैंक यू भैया। और ऑलमोस्ट 11 बज चुका है और अभी बैटरी मिलना काफ़ी नामुमकिन था, इसी मोमेंट पे ये आके बचा लिए हमको। अभी एटलीस्ट हम लोग घर वापस जा सकते हैं आराम से। घर जाने से पहले बिरयानी टेस्ट करेंगे, वहाँ का फिर जाएंगे। चलिए भैया मिलते हैं। इसके घर में पता नहीं है, रिकॉर्ड हो गया भाई ये। और अंबर सीधा सामने बैठा हुआ है, मतलब इतने सारे नॉन वेजिटेरियन के बीच में एक वेजिटेरियन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। क्या यू? हाँ। और यहाँ बहुत सही से डिनर करने के बाद पम्मी पाजी, ए गुरु शकल दिखा, बहुत बड़ा अंदर को करना था। तो बहुत सही डिनर करने के बाद अब हम जा रहे हैं फालूदा होटल आने। अरे जगह, अरे जगह शुरू हो जाता है तो मंगाओ। अरे कितने लेने हैं बोनी सर, मेरा 6-6 ले लूं क्या? सब खाएंगे? आने दो, आने दो, सभी खाएंगे। अब नेक्स्ट क्या टारगेट है यहाँ खाने के बाद? अंकुर भैया बोल रहे हैं कि अगर 2 घंटा लगे ना मर जाऊंगा मैं तब तक। हम सब ऑडियंस हैं और अभी गेस्ट एंट्री करने वाले हैं वीरध्वज सिंह राठौर, बस जो बोलेंगे कि हम यहाँ हलवा खाने जहाँ आए हैं उसका हिस्ट्री बताएंगे। चलिए भैया बताइए। तो ये जो हलवा है ये स्पेशली हलवा के निज़ाम के लिए बनाया जाता था इसी दुकान में, और ये आज भी बेचा जाता है। इसका नाम है जौसी हलवा, जो कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और घी के साथ बनाया जाता है। और यहाँ देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का भी एक आर्टिकल छपा हुआ है इसका। भाई ये तो जन्नत है। हो गया, बताएं कहाँ हैं, बताएं भाजी, बताओ कहाँ हैं हम। सेन सागर, दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। अरे भाई हिस्ट्री पूछ लो, वीरध्वज सिंह राठौर यही है। हिस्ट्री भैया, हिस्ट्री प्लीज। हाँ कौन सा निज़ाम का भाई? उसका निज़ाम का सही नाम गलत हो गया तो। हाँ ठीक है, वो निज़ाम कब क्या बनाया था? निज़ाम थे 1600-1700 का बनाया है। हाँ ये पूरा मैन मेड वाटर बॉडी है। अच्छा। और ये जो गौतम बुद्ध की स्टैचू है वो 80s या 90s में जाके गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया। अच्छा तो वो सब तो ठीक है। प्रकाश और अंबर कहाँ गए? कहाँ गए वो लोग? मुद्दे की बात वही है कि प्रकाश और अंबर गए कहाँ? दो गाड़ियाँ हैं, एक और गाड़ी मिसिंग है। तो तुम दोनों गए कहाँ थे? चेक करने गए थे, पुलिस आ रही है कि नहीं। वाह, नाइट आउट तो बहुत अच्छे से हो गया। अब हम वापस आ गए, इट्स अराउंड 2 AM इन द मॉर्निंग। अभी सीन ऐसा है कि थक गए आप, क्या बस एक ही काम है